ठीक है, अब आपके पास अभी फिलहाल इतने पैसे नहीं है कि वो गाड़ी खरीद सके, मगर अगर आप ये प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आपको गाड़ी मिल सकती है। तो आप प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे, आप गाड़ी की कोशिश कर रहे। हिप्नोसिस में याद है हमने एक चीज सिखाई थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि डोंट थिंक यू आर वॉशिंग डर्टी डिशेज, आई एम स्पार्कलिंग द किचन। याद है कि मैं डिशेज नहीं धो रही, मैं तो किचन को साफ कर रही हूँ, क्योंकि किचन चमकता हुआ मुझे पसंद है। डर्टी डिशेज खुद ब खुद सामने आ जाएगी, मगर आप डर्टी डिशेज नहीं कर रहे, आप किचन को स्पार्कल कर रहे हो। इसी तरह इसमें भी यही है कि जी मैं काम थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो गाड़ी की तरफ गामजन हूं, चंद दिनों में चंद महीनों में मेरे पास गाड़ी आ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो प्रोफेशनल आपका काम है वो आपके लिए एक बर्डन या बोझ नहीं महसूस होगा, एनर्जी खुद ब खुद गाड़ी के थॉट से आएगी। तो किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जो आप चाहते हैं, जो आपको मोटिवेट करती है, उसको लिंक कर दें अपने काम के साथ, तो खुद ब खुद ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, या अल्लाह, व्हाट इज द रीजन एक्सट्रीमिस्ट आर एवरीवेयर इन एवरी होम, हु इज टू बी ब्लेम, नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट द प्रॉपर्टी वॉर। वैसे तो ये रिलीजियस सवाल भी है, पॉलिटिकल सवाल है, ज्यादा बात नहीं कर सकता। सर कितना सा बता दूं कि जब सालों पहले किसी के घर पे आग लगी थी तो हमने उस आग को नहीं बुझाया ये कहते हुए कि मेरा घर नहीं जल रहा, किसी और का जल रहा है। आज वो आग आपके घर तक पहुंची। माशरे में जब आप देखते हैं, तशद्दुद देखें, बुराई देखें, आप अपने तौर पे कुछ नहीं किया, मैंने आपने, क्योंकि हमने कहा हमारा थोड़ी, आज वो तशद्दुद वो बुराई बहुत ज्यादा फैल चुकी है। अब जरूरत इस बात की है कि इसका आपने मुकाबला करना, एक तो सब्र और तहम्मुल के साथ, दूसरा एहतियात रखनी है, तीसरा उम्मीद नहीं छोड़नी। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि नाउम्मीद वो हो जिसके पास खुदा ना हो, जिसको अल्लाह पे यकीन हो कि कोई ऐसी हस्ती मौजूद है, वो जिंदगी में कभी नाउम्मीद नहीं होता। तो नाउम्मीद मत होना, मुश्किल वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। वो बड़ी अच्छी स्टोरी में सुनाया करता था ना, आज फिर याद आई मुझे बड़े सालों के बाद। एक बादशाह था, बहुत गरीब परवर था और फकीरों का, बुजुर्गों का, अल्लाह के वलियों का बड़ा एहतराम करता था। तो उस शहर में अल्लाह का एक दरवेश आया, बादशाह को पता चला, बादशाह ने उसे अपने दावती घर बुलाया, बड़ी मेहमान नवाजी की, दरवेश बड़ा खुश हुआ। तो बादशाह से मुख्तलिफ सवाल जवाब, तो बादशाह की बातों से बड़ा खुश हुआ कि ये इंसाफ पसंद आदमी है, गरीब परवर आदमी है, इसकी रियाया उससे बड़ी खुश है। तो जाते जाते एक अंगूठी इनाम मिली और कहा कि बादशाह सलामत ये अंगूठी अपने पास रख लो, जिंदगी में कभी कोई ऐसा मुश्किल वक्त आए कि जब यकीन हो कि आप सब कुछ खत्म हो जाएगा, उस वक्त इस अंगूठी को खोलना। बादशाह ने अंगूठी रख ली, कुछ अरसा गुजरा, एक जंग हुई, पड़ोसी मुल्क ने हमला किया, जंग हुई, बादशाह सलामत गए अपनी फौज के साथ, लड़ाइयां हुई। अब दुश्मन की फौजों ने बादशाह सलामत को उसके सिपाहियों से दूर करना शुरू कर दिया, ऐसे हमले किए कि सिपाही पीछे हट गए, बादशाह तन्हा रह गया, बादशाह अपनी जान बचाने के लिए भागा, एक गार में छुप गया। अब गार में वो छुपा है, उसको आवाज आने लगी दुश्मन सिपाहियों की, वो ढूंढ रहे थे बादशाह को, कत्ल कर दो। अब बादशाह ने सोचा इससे बुरा वक्त कोई नहीं होगा, ये सबसे आखिरी वक्त है, किसी लम्हे ये सिपाही आके मुझे पकड़ेंगे, मुझे कत्ल कर देंगे। उसको उस अंगूठी का ख्याल है, उसने उसका मुंह खोला, ऊपर अंदर एक कागज की पर्ची थी और उसपे लिखा था ये वक्त भी गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास। बादशाह ने वो पर्ची पढ़ी, अंगूठी बंद की, सोचा चलो ठीक है गुजर जाए गुजर जाए, उसको इत्मीनान आ गया, वो जो उसको टेंशन और एंग्जाइटी थी वो खत्म, इत्मीनान में बैठा रहा, जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, इधर मैदान ने जंग का पांसा पलटा, बादशाह की फौज जीतने लगी, दुश्मन पिछड़ने लगे। अब उसके सिपाही सिपहसालार ढूंढने आए, बादशाह को गार से निकाला, बहुत बड़ा जश्न हुआ, बादशाह सलामत जंग जीत गए। अब जश्न जब उरूज पे था, जब दुनिया के और मुख्तलिफ ममालिक के लोग आए बादशाह की खिदमत में, तोहफे पेश कर रहे हैं, और बादशाह बैठा है तख्त पे ताज लगाए, सब कुछ देख रहा है, एकदम से उस अंगूठी का फिर वो पैगाम याद आया, दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। एकदम से एहसास हुआ कि ये जो तख्त व ताज है ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा। उसी वक्त उसने अपने बेटे को बुलाया, उसको तख्त पे बुलाया, उठाया, ताज उसके सर पे रखा, कहा आज से तू बादशाह सलामत, और वो फिर अल्लाह की इबादत में उसने अपने दिन गुजारे, उसने बादशाह ही छोड़ दी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दिस टू शैल पास। आप देखिए जिंदगी में मुश्किल कभी परमानेंट नहीं रहती, आती है चली जाती, हाँ वक्त कई दफा लंबा हो जाता है आपके लिए। हम में हर आदमी ने कुछ ऐसा वक्त गुजारा होगा जिंदगी का, जो आज भी याद करे तो लगता है कैसा मुश्किल था।
मगर जब वो वक्त गुजर जाता है फिर आप रिफ्लेक्ट करते हैं कि यार इतने साल मैंने गुजारे कैसे गुजारे, बट उस दौरान समथिंग हैपेंड, या खबर आ गया, या आपको उम्मीद थी कि गुजर जाएगा, या किसी ने सहारा दिया, किसी ने साथ दिया, तो मुश्किल वक्त गुजर जाता है, कोई वक्त नहीं रहता, ना अच्छा रहता ना बुरा रहता। तो इस चीज का ख्याल रखें इस चीज में कि ये जो मुश्किल वक्त हमारे पे गुजर जाएगा, हम सब इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, हम सब इन्वॉल्व, हमने इस माशरे को खराब किया। देखिए ना, जब आप वोट देते हैं तो आप इन्वॉल्व है ना, आपने अपना हक किसी को दे दिया, उस हक पे कुछ लोग हुक्मरान बन गए, तो गलती किसकी, आपकी है ना। एक बिरयानी की प्लेट पे 500 रुपए के ऊपर आप वोट बेचते हैं अपना, सिर्फ अपने आज के लिए कि आज का दिन मेरा अच्छा गुजर जाए, आज बिरयानी खा लूं, पेट भर जाए मेरा, कीमे के नान मिल जाए मुझे, 100-200-300 रुपए मिल जाए, तो आज आपने आज अपना अच्छा करने के लिए कल को कुर्बान कर दिया। होना ये चाहिए था कि आने वाले कल के लिए आज कुर्बान करते आप, आपने वो नहीं किया, आपने उलट किया, आपने आज के लिए कल को कुर्बान। तो आप जो हम कुछ देख रहे हैं, ये वर्षों से सिलसिला चला आ रहा है, ये उसका नतीजा है। एंड इज नेक्स्ट सवाल पे हम जाएंगे। अच्छा जी, थैंक यू। आई सर आई फॉरगॉट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन द न्यू डिकोर, इट लुक्स ब्यूटीफुल। किसी ने लिखा है जो नया सब बना है इंस्टीट्यूट पे, इस पे वो मुबारकबाद है, थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम। कम केम हियर आफ्टर अ व्हाइल, माय डॉटर केप्ट आस्किंग मी व्हाई आई वाजंट गोइंग, सो हियर आई एम विद हर। ये नहीं है। अच्छा, मेरी बेटी के एग्जाम पहले हफ्ते में शुरू हो रहे, कोई अच्छे वर्ड्स कहें इनकरेजमेंट के, विल बी नाइस। बड़े सिंपल है जी, जो भी स्टूडेंट पढ़ता है उसके ना पढ़े कि मैंने आगे जाके अच्छी स्कूल, अच्छी कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, वो ये सोच के पढ़े कि आने वाली जिंदगी जो उसकी होगी उसमें तालीम एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी, और वो तालीम जो समझ के ली गई हो, रटने वाली तालीम नहीं हो। इंसान जो है वो अपने आप को जो बनाता है आने वाले वक्त के लिए तैयार करता है, उसमें तालीम भी एक अहम जुज है, इखलाक भी है, इखलाक की तरबियत भी है, मगर तालीम एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, पर्सनैलिटी बिल्डिंग के लिए, फ्यूचर के लिए तालीम बड़ी अहम है। तालीम को शौक से ले, बोझ ना समझे। बच्चे बैग सुधा के स्कूल से घर जाते हैं, घर से स्कूल आते हैं, वजन होता है, थक जाते हैं, माँ बाप पर एहसान करते हैं कई बच्चे, ये ना करें। ये तालीम आपके लिए, अगर आप अपनी गलियों में मोहल्ले में देखें, वो बेचारा आदमी जो जूते सीता है या पॉलिश करता है, कई सालों से हमारी गली के कोने में भी एक पठान है, कितने साल हो गए, पता नहीं कभी अपने गांव जा सकता है नहीं जा सकता, सारी जिंदगी जूतों के दूसरों के जूते पॉलिश करता रहा और उसे सीता रहा, चूंकि उसके पास तालीम नहीं। तालीम अगर आपके पास होगी और अगर आपके पास काम नहीं भी होगा, तभी भी माशरे में आप एक अच्छी जिंदगी इस तरह गुजार सकते हैं कि आपकी इज्जत होगी कि तालीम याफ्ता लोग। तो तालीम बड़ी मुकद्दस चीज है, उसको समझें और उस तरह तालीम हासिल करें जिस तरह तालीम हासिल करनी चाहिए, ना इस तरह जिस तरह स्कूल सिखाते हैं। तो रटने के लिए ना पढ़े, समझने के लिए पढ़े, ठीक है। आई होप कि आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगी क्लास में। आपका सवाल सबसे आखिर में, बोलदून साहब NLP, सवाल ये, इट इज नॉट रिलेटेड टू न्यूरोलॉजी सर, इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग, फर्दर इट हैज नो साइंटिफिकली प्रूव, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट NLP प्रोग्रामिंग। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस ने दुनिया में अभी कई चीजें प्रूव नहीं की, क्योंकि प्रूव करने के लिए वो उन चीजों पे काम करता है जिसकी इमीडिएट जरूरत होती है। जैसे कुछ बीमारियां जो बढ़ जाती है उस पर बड़ी रिसर्च होती है, क्योंकि जल्दी दवाई बनती है तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, तब वो बीमारियां जो बहुत कम है, जैसे एल्जाइमर है, पार्किंसंस है, उस पर इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं होती, कैंसर पे बहुत ज्यादा रिसर्च होती है, हाई ब्लड प्रेशर पे बहुत ज्यादा रिसर्च होती है, डायबिटिक पे बहुत, क्योंकि ये बड़ी कॉमन बीमारी है। NLP प्रॉब्लम सिर्फ ये हुआ कि चूंकि NLP ने चैलेंज किया साइकोलॉजी की दुनिया को, जो नफ्सियात की दुनिया है उसको NLP चैलेंज करता है। मेरे पास एक स्टेटिस्टिक्स है, अभी मैं शायद कंप्यूटर से नेक्स्ट टाइम आपको बताऊं। साइकोलॉजी में 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग प्रोसेस होते हैं मरीज को ठीक करने में। एक होता है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी,
एक होता है बिहेवियर चेंज के ऊपर कुछ काम होता है। तो उन्होंने एक स्टडी में बताया कि आप अगर 600 सेशन सीबीटी के लेते हैं, 600 सेशन, तो आपको फायदा 36% होता है, 36% फायदा होता है। बिहेवियर थेरेपी के अगर आप 300 सेशन लेते हैं तो आपका फायदा जो है वो 50 या 55% होता है। एनएलपी के, हिप्नोसिस के 6 सेशन लेते हैं, फायदा 95% होता है। तो जब एनएलपी आया दुनिया में, हिप्नोसिस एज ए मेडिकल प्रोफेशन आ गया ना, अब तो हिप्नोसिस मेडिकल में भी यूज होता है। एक मैंने फेसबुक पोस्ट डाली है अखबार की, अबू धाबी में दे यूजिंग हिप्नोसिस इन हॉस्पिटल्स नाउ, चाइल्ड बर्थ में यूज हो रहा है, डेंटल वर्क में यूज हो रहा है। एक रिसेंट मैंने एक पोस्ट डाली थी, ब्रेन सर्जरी की गई है हिप्नोसिस के जरिए विदाउट एनेस्थीसिया, रिमार्केबल। अच्छा, फिर एक नया कॉन्सेप्ट हिप्नोसिस में आया है, अगर आपको पता हो अदनान समी साहब ने काम किया था गैस्ट्रिक बाईपास, उसमें पेट का एक हिस्सा काट दिया जाता है, पेट छोटा हो जाता है, आप खाना कम खाते हैं तो आपका वजन कम होता है। मगर जब आपका वजन कम हो गया तो ये तो मुसलसल कम होगा, अब वो पेट वापस लग नहीं सकता, जोड़ नहीं सकता, उसको काट के फेंक दिया। हिप्नोसिस में गैस्ट्रिक बेंडिंग का एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस में ये होता है कि हिप्नोटाइज करके आपको यकीन दिला जाता है कि आपका आधा स्टमक जा चुका, अब आप कम खाते हैं, क्योंकि थोड़ा खाएंगे आपको लगेगा पेट फुल हो गया। और इसमें फायदा ये है कि जब आपका वजन कम हो जाए, आप वापिस आ जाए, आपका पेट वापिस जोड़ देंगे, क्योंकि सारा माइंड में। तो एनएलपी हिप्नोसिस ने जब मेडिकल दुनिया को और नफ्सियात की दुनिया को चैलेंज किया तो वहां से रेजिस्टेंस बहुत आया। अब आप सोचे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के आप 50 सेशन भी लेते हैं, एक सेशन 1500 या 2000 रुपए का होता है, 50 सेशन का मतलब समझते कितने हो गए। अच्छा, उसमें भी गारंटी नहीं है कि फोबिया खत्म हो, बाज दफा डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ब्रेन केमिकल का इम्बेलेंस हो जाता है, उसके लिए साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट जरूरी है। तो सीबीटी इफेक्टिव है, आई नो 100% इफेक्टिव है, मगर नंबर ऑफ सेशन बहुत ज्यादा। एनएलपी हिप्नोसिस में चंद सेशन में बंदा ठीक हो जाता है, क्यों? सारी चीज सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग है। तो मेडिकल साइंस या साइकोलॉजी इस पे काम नहीं करेगी, रिसर्च नहीं करेगी, क्यों? उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। हम में से जिन लोगों ने हिप्नोसिस के, कुछ पुराने लोग बैठे हुए आज, इन्होंने हिप्नोसिस एनएलपी किया, उनको पता है इस बात का। हम क्या करते हैं, याद है एनएलपी हिप्नोसिस में क्या करते थे? एनेस्थीसिया कर देते थे, मेमोरी में चेंज आ जाता था, बंदा एक नंबर भूल जाता है, जब हम कमांड करते तो नंबर भूल जाता है। तो बहुत सारी चीजें अभी भी साइंस अपने डोमेन में नहीं लेना चाहती, जैसे मेटाफिजिक्स साइंस डोमेन में नहीं ले जा रही। जब बहुत सारी थियोरी जो मेटाफिजिक्स में है, जब वो प्रूव होना शुरू हो जाएगी तो वो फिजिक्स हो जाएगी, और फिर मेटाफिजिक्स में कोई और नई चीज आएगी। तो दुनिया एनर्जी की दुनिया है फॉर एग्जाम्पल, हाँ बहुत सारे दुनिया में साइंसदान अब एनर्जी की दुनिया पे बात कर रहे हैं, प्लांट्स में भी एनर्जी है, पानी में मेमोरी है, तमाम चीजें मौजूद है। इसके लिए एक्सटेंसिव स्टडी करें तो आपको मिल जाएगी ये चीज। एनएलपी ने दुनिया को शॉक कर दिया जब इन्होंने लोगों के बिहेवियर चेंज किए और लोगों को रिजल्ट दिए सक्सेस के। सबसे बड़ा इसका कमाल ये था, टोनी रॉबिन्स का आपने शायद नाम सुना होगा, उसने और जॉन ग्राइंडलर जो को फाउंडर था एनएलपी का, उन्होंने मिलकर एक प्रोजेक्ट किया अमेरिकन आर्मी के लिए, मरीन्स के लिए। ये जो शार्प शूटर्स होते हैं, दूर से शूट करते हैं ना, इनको बड़ा परफेक्ट चाहिए कि लॉन्ग रेंज पे दूर से शूट करते हैं। उनकी नॉर्मल ट्रेनिंग में जो होती थी उनको रिजल्ट एक खास 15-20% मिलता था, इन्होंने चैलेंज किया कि हम रिजल्ट बढ़ा देंगे। और उन्होंने पहले उन टॉप शार्प शूटर्स को बुलाया जिनकी एक्सेलेंट रिजल्ट थे शूटिंग में, उनकी जो स्ट्रेटेजी थी उसको इलिसिट किया, यानी उन स्ट्रेटेजीज को निकाला। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गन आपके हाथ की होती है, आप सोचते क्या हो, आपको फील क्या होता है, आपके जबान में जायका क्या होता है, ये तमाम स्ट्रेटेजी इलिसिट की और नए लोगों पे उसको डाल दी, प्लांट कर दिया, कॉपी पेस्ट, वहां से कॉपी के पेस्ट कर दिया, उनके रिजल्ट बढ़ गए। जो ओरिजिनल इनकी अपनी ट्रेनिंग के रिजल्ट से कई गुना बढ़ गए। जब बढ़ गए तो ये प्रोजेक्ट बड़ा कामयाब है, दुनिया में एनएलपी और हिप्नोसिस बड़ा पॉपुलर। अच्छा जी, इंटरनेट के बहुत सवाल आ रहे हैं अब तो, इनफैक्ट अब एडवांस में अब तो रखे हुए बहुत सारे। एक क्वेश्चन काफी वियर्ड है, इस तरह लिखा है रोमन में, इज इट पॉसिबल एज सुइसाइड इज अ सिन, वी डोंट वांट टू, मगर अगर हम माइंड में ये थॉट है खुद को हर्ट करना, हम खुद को ना करें, दीन को दे कोई नेकी, कर दे कोई नेकी ऐसे।
एंड एज सुसाइड इज अ सिन, तो हम ऐसे करें कि खुद अपनी जान निकाल लें, एस इसे गुनाह मिलेगा तो हम क्या करें? कुछ थॉट्स हैं इनको इरिटेट। अच्छा, सवाल ये है कि खुदकुशी चूंकि हराम है, तो जिसने भी ये सवाल लिखा है हो सकता है उसके जहन में बार बार सुइसाइडल थॉट्स, कहते हैं उसको, खुदकुशी करने का ख्याल आता हो और फिर साथ ये ख्याल आता हो कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। आपको पता है खुदकुशी क्यों बहुत बड़ा गुनाह है? इसलिए बड़ा गुनाह है कि जान अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की अमानत में खयानत नहीं कर सकते। मगरिब के कुछ मुल्कों ने एक लेजिस्लेशन पास कर लिया है, ये करने वाले, इसको कहते हैं मर्सी क्लिनिक, कि कुछ बीमारियां ऐसी जैसे कैंसर की बीमारी में शदीद पेन और दुनिया की कोई दवाई गोली उस पेन को खत्म नहीं कर सकती, लास्ट में लास्ट वो लोग मॉर्फिन देते हैं, इंजेक्शन मॉर्फिन, और मॉर्फिन में भी कुछ देर के लिए दबता है दर्द फिर वापस खत्म हो जाता है, जबकि मॉर्फिन का डोज जो एक कैंसर पेशेंट को दिया जाता है वो इतना होता है कि अगर घोड़े को दिया जाए तो वो 24 घंटे उठे ना, मगर वो आधा घंटा घंटा दो घंटा फिर पेन शुरू हो जाता है। तो कुछ दुनिया में ऐसा लेजिस्लेशन पास हो चुका है, होने वाला है, कि जिसमें यह है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको शदीद तकलीफ है और इलाज नहीं हो सकता तो फिर आप उसे इंजेक्शन दे दें जिससे उसकी मौत हो जाए उसकी रजामंदी से, उसको मर्सी किलिंग कहते हैं। इस्लाम में नहीं, इस्लाम में नहीं है, और उसकी वजह यह कि जान अल्लाह की अमानत है। तो जब ये थॉट्स आता है सुइसाइडल थॉट, पहली चीज तो माहिर नफ्सियात को दिखाएं, कुछ लोगों में सुइसाइडल टेंडेंसी होती है। अच्छा, मैं एक मिसाल दूंगा, मैंने अपनी जिंदगी के बाद बड़े बड़े पीरियड्स बहुत तकलीफ में गुजारे, यानी एक पीरियड तो 12 साल का इतना शदीद तकलीफ में गुजारा कि मैं बता नहीं सकता। उससे पहले एक और पीरियड जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में गुजारा, जब भी इदारा बन रहा था मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे, और वो तकलीफ से हमने गुजारा कि कहां से पैसे आए, तो वो एक जगह ली थी 3 कमरे का एक फ्लैट लिया था, वहां शुरू किया, तो वहां से फिर यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ पे भी बहुत बुरी हालत में था, ये पैसे नहीं थे, आहिस्ता आहिस्ता इसको तब्दील किया, ये गेट बड़ा लगाया, पहले तो अजीब सा गेट था, पैसे नहीं थे इतने क्योंकि इसमें इनकम नहीं होती थी। तो वो इनिशियली कुछ साल मैंने इकोनॉमिकल क्राइसिस में गुजारे, उसके बाद 12 साल मैंने बहुत तकलीफ में इमोशनल प्रॉब्लम में गुजारे, मगर मुझे कभी भी खुदकुशी का ख्याल नहीं आया, क्योंकि शायद टेंडेंसी नहीं है मेरे में। तो कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है, उसको सुइसाइडल टेंडेंसी कहते हैं। तो बराए करम जिसने भी मुझे ईमेल किए, अगर आप सुन रही हैं या सुन रहे हैं, तो बराए करम माहिर नफ्सियात के पास जाएं, साइको एनालिसिस कराएं, अपना चेक करें कि टेंडेंसी है, अगर है तो उसका ट्रीटमेंट जरूरी है, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन चल रहा है कि मैं करूं मगर गुनाह है तो क्या करूं, ये रिजॉल्व होना चाहिए। तो हो सकता है फिर जिंदगी में कोई सिचुएशन आए जो बहुत ज्यादा तकलीफ दे हो आपके लिए, तो आपका रुझान खुदकुशी की तरफ जा सकता है, मगर ये खयानत है अल्लाह की अमानत में, और अल्लाह की अमानत में खयानत कभी ना करें। जब ऐसा थॉट आए खुदकुशी का, तो कोशिश करें कि उठ जाएं, अगर बैठे हैं तो उठ जाएं, चलना शुरू कर दें, अगर चल रहे हैं तो कहीं पे बैठ जाएं, अपना पोस्चर चेंज करें, फिजियोलॉजी चेंज करें, किसी तरफ बाहर चले जाएं, दुकान में चले जाएं, किसी शॉपिंग सेंटर में ऐसी विंडो शॉपिंग करने चले जाए, कोई भी ऐसी चीज करें कि उस वक्त आपका ध्यान वहां से हट जाए, वो सोच कमजोर हो जाए, कोई और सोच आ जाए, किसी दोस्त से बात कर लिया करें, रोना आता है रो लिया करें, मेनी थिंग्स कैन हैपन। अच्छा, ये पिशावर से लुबना साहिबा, एम्पैथ पर्सनैलिटी क्या होती है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं? एक शख्स जिसकी, इंग्लिश में उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूं, एक शख्स जिसकी ये शख्सियत हो, क्या वो दूसरों से अपने आप को नेगेटिव पर्सन से सेफ कैसे रख सकता है ताकि लोग उसकी इस क्वालिटी को मिसयूज ना करें? अच्छा, एम्पैथी, उर्दू में आज ताबिर साहब एज यूजुअल गोली दे गए, मेरी किताब उसके हवाले है, और आज 8 महीने हो गए वो किताब जो बिल्कुल तैयार है और ताबिर साहब का पता नहीं। आई थिंक एम्पैथी कहते हैं उस शख्स को जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्द हो, दूसरों को देखकर उसको एहसास हो, दूसरों के दर्द पे वो खुद दर्द महसूस करे। मेरा छोटा बेटा मुर्तजा वो एम्पैथी है, इतना ज्यादा एम्पैथी उस वक्त मैं बता नहीं सकता, मेरे में भी बहुत एम्पैथी है। बार दफा ये एम्पैथी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, फॉर एग्जांपल मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता, मैं किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकता, ये वो नहीं जो जहाज में छोटे बच्चे रोते हैं, वो तो बड़ा तंग होते हैं, माँ बाप जब बाहर बच्चे को लेके आते हैं पता होना चाहिए
कि जहाज जब डिसेंड होता है तो कान बंद हो जाते हैं, तो छोटी पानी की बोतल निप्पल के साथ उसको मुंह में दे दें, वो निप्पल चूसता रहेगा पानी, तो कान उसके बंद नहीं होंगे। माँ बाप इतनी सी चीज जाते, वो बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, हमें भी तकलीफ होती है। मेरा मुरादी के गली के बच्चे होते हैं, कोई बड़ा मार रहा होता है, बड़ा बच्चा हिट कर रहा होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैंने तो खैर ओवर अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया, कोशिश की कि मुझे तकलीफ कम से कम। मगर जो शख्स एम्पैथी रखता है, एम्पैथी बेसिकली एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत बड़ी क्वालिटी समझी जाती है, उसको यस प्रॉब्लम होता है लाइफ में। क्यों? लोग उसकी इस हमदर्दी के जज्बे से फायदा उठाते, पैसे ले जाते हैं, धोखा दे जाते हैं, बेवकूफ बना जाते हैं, सब कुछ होता है। अब क्या करना चाहिए? अपने आप को बचाना चाहिए। पहली तो चीज एक टेक्निक बता रहा हूं, अगर वो रेगुलर करेंगे तो एम्पैथी तो रहेगी आप में, मगर आपको इमोशनल कंट्रोल आ जाएगा। उसको हम कहते हैं साउंड मेडिटेशन। रोज 10 मिनट के लिए आंखें बंद करें, रिक्लाइनिंग पोजिशन में बैठे। रिक्लाइनिंग का मतलब होता है ना लेटना ना बैठना, रिक्लाइनर होता है ना, रिलैक्स करने के लिए। ऐसे आंखें बंद करें, किसी ऐसी आवाज को सुने जो मुस्तकिल आ रही हो कमरे में, जैसे घड़ी की टिक टिक, एसी की आवाज, पंखे की आवाज। 10 मिनट उस आवाज को सुने रोज, 3 महीने तक ये करें, आपके अंदर इमोशनल कंट्रोल किसी हद तक आ जाए। नेक्स्ट सवाल है जी, जैसे कमाल है, पिशावर वाले कितनी कमाल की बात पूछ रहे हैं, अमेजिंग। अच्छा नेक्स्ट है सादिया है खातून, ये नफ्सियात की स्टूडेंट है, साइकोलॉजी की। ये सवाल पूछ रही है नेचर और नर्चर में क्या फर्क है, दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा नेचर कहते हैं फितरत, नर्चर कहते हैं तरबियत, पालना पोसना तरबियत, दोनों में बड़ा फर्क है। पहले तो ये समझे कि फितरत दो किस्म की होती है। एक फितरत जो अल्लाह ने हमें बख्शी है, जो कि रूह के साथ मुंसलिक है, रूह की फितरत, और एक मादे की फितरत, जिस्म की फितरत। इंसान जब पैदा होता है तो बच्चे के अंदर अल्लाह ताला रूह डालता है, तो वो फितरत रूह की आ गई। रूह की फितरत में मोहब्बत है, इसार और कुर्बानी है, हमदर्दी है, मगर असल चीज जो है वो मोहब्बत है, रूह की फितरत। जिसको मोहब्बत होगी वो किसी को तकलीफ में देखेगा तो मदद करने के लिए पहुंचेगा, तो मोहब्बत के बाद जो उसके एक्सटेंशन है वो बहुत ज्यादा है, हमदर्दी है, दर्द दिल है, दरिया दिली है, जेनेरोसिटी है, हौसला है, ये तमाम चीजें मोहब्बत से आती है। ये फितरत लेके बच्चा पैदा हो। अब जिस घर में पैदा होता है वहां माँ बाप के अकाइद, माइंड सेट क्या है, क्या माहौल है माँ बाप, उस माहौल में बच्चे जो नर्चरिंग होती है, जो उसका पालना और तरबियत होती है, वो एक सेकंड नेचर बनाती है, एक सेकंड फितरत बनाती है। वो फितरत का ताल्लुक मादे से होता है, मादा बोले तो दिमाग से होता है, ब्रेन से होता है। ब्रेन मुख्तलिफ चीजों के इंप्रेशन लेता है, सीखता है आवाजों से, टच से, नजारों से, जो बातें कही जाती है ब्रेन उसको प्रोसेस करना शुरू करता है। इवेंचुअली बच्चा जब 8-9 साल का हो जाता है तो उसका एक सेकंड नेचर या सेकंड फितरत बन चुकी होती है, और अक्सर ये सेकंड फितरत आमतौर पर पहली फितरत से दूर होती है, यानी दोनों में बड़ा फर्क होता है। अनटिलेस घर का माहौल ऐसा हो कि वो पहली वाली फितरत को नशो नुमा दे, उसको बढ़ाए, उसको ताकतवर करे, आमतौर पर घरों में ऐसा नहीं होता। ये जो सेकंड फितरत होती है, इसका जो ड्राइविंग फोर्स होता है, जो ताकत होती है, पहली फितरत की ताकत होती है अल्लाह की मोहब्बत और वापस जाने की ख्वाहिश अल्लाह के पास। हम कहीं से आए, अब तड़प यह है कि वापस जाए अपने असल घर पे, ये पहले फितरत की ये क्वालिटी होती है। दूसरे फितरत की जो सबसे ज्यादा पावर होता है वो होता है सर्वाइवल मैकेनिज्म। मुझे जिंदा रहना है, मुझे ये खाना है, मैं उसके अंदर बड़ी पावरफुल चीज होती है, डोमिनेटिंग फैक्टर होता है ईगो या आई। अब हर चीज वो आई के गिर्द बनती है, बुनती है और बढ़ी जाती है। मेरा खिलौना, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा कारोबार, मेरी तालीम, मेरी इज्जत, मेरा नाम, मेरा हुसन, मेरी ताकत, मैं, तमाम मैं के गिर्द घूमती है। ये सेकंड फितरत होती है। अब जब जिंदगी में इंसान आगे बढ़ता है, होश में आता है, अकल आती है, शऊर आता है, अब ये दोनों फितरत के दरमियान एक तजाद होता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है। अब होता यह है कि चूंकि फितरत जो मादी फितरत है,
जो सेकंड फितरत है आपकी वो डोमिनेट करती है ज्यादा। क्यों? लोग उसको चढ़ावा देते हैं, उसको ताकत देते, हाँ बेटा कर ले, बिल्कुल तेरा हक है। अब वो जो अतराफ का माहौल है वो सेकंड फितरत को कंटिन्यूसली पुश कर रहा है, पहली फितरत को कोई पूछता ही नहीं है, वो माहौल ही नहीं मिल रहा पहली फितरत के लिए जहां से वो नशोनुमा पाए। वो माहौल होता है दरवेश की संगत, फकीरों के साथ बैठना, अल्लाह वालों के साथ बैठना, जब मजहब फिरके का कोई चक्कर ना हो, सिर्फ मोहब्बत और प्यार हो। जब हर आने वाला जो आता है किसी बाबे के दर के ऊपर, किसी दरवेश के पास, उसे वो अल्लाह का बंदा समझता है, वो ये नहीं सोचता ये शराबी है, ये जुआरी है, ये जला करता है, ये सूदखोरे, नहीं, वो अपनी जगह, उसे तो मोहब्बत से बिठाया जाता है। और वही मोहब्बत लोगों को ट्रांसफॉर्म करती है, लोगों को तब्दील करती है, और इस तरह तब्दील करती है कि गैर मजाहिब के लोग इस्लाम में दाखिल हुए इस मोहब्बत की वजह से। तो वो माहौल ही नहीं रहा तो जो पहली फितरत है उसकी नशोनुमा कैसे होगी, उसको ताकत कैसे मिलेगी। मगर अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने हमें कुछ चीजें दी है। नंबर वन ये कि पता चला जी कुरान पढ़ो और उसको गौर फिक्र करो। अच्छा कुरान पढ़ते गौर फिक्र नहीं करते तो फिर वो फितरत मजबूत नहीं होगी। वो फितरत मजबूत होती है जब इंसान सोचता है हु एम आई, मैं कौन हूं, तो पहली फितरत मजबूत होगी। क्योंकि जब पता चलेगा मैं कौन हूं तो फिर पता चलेगा ना किसने भेजा है, मुझे खल किसने किया है। जब अपने आप को नहीं जानोगे तो पैदा करने वाले को कैसे जानोगे। जात से शुरू करो सारी रिसर्च, सारी सर्च, सारी तलाश अपनी जात से शुरू कर दी जाती है। दूसरी फितरत को बहुत लोग बैठे हैं चढ़ावा देने के लिए, ताकत देने की। अब दूसरी फितरत आहिस्ता आहिस्ता इतनी हावी हो जाती है कि पहली फितरत बिल्कुल कमजोर हो जाती है। तभी कोई आपसे कहता है यार ये मेरा काम कर दो, इतने पैसे दूंगा। आप कहेंगे चलो बच्चों के लिए मिठाई आ गई। अब वो पहली फितरत तो आपने वैसे ही सुला दिया, अब दूसरी फितरत आपको दुनिया में अंबार मामूल में अंबार में बहुत सारे ऐसे काम कराती है जो पहली फितरत ने जिस नहीं कर सकती। माशरे में बुरे काम, गलत काम, कमिटमेंट्स पूरे ना करना, ये तमाम चीजें सेकंड फितरत का काम। अब नर्चरिंग अगर अच्छी हो, बच्चे की तरबियत अच्छी हो, वो माहौल मिले, तो फिर उसकी जो असल नेचर है वो बाहर आए। और ऐसा हुआ है कि अल्लाह के ऐसे बंदे थे दुनिया में जिनको वो माहौल मिला माँ बाप का, कि फिर वो आगे जाके वली बने और पता नहीं क्या क्या मकाम तक पहुंचे। नर्चरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट। कहते हैं पैदा करने वाली से पालने वाली का रुतबा ज्यादा है। वजह यह कि पालना बड़ा मुश्किल है, पैदा करना तो 9 महीने का काम है, पालना सारी उम्र उस बच्चे को पालना, ध्यान रखना। और माँ के लिए तो बच्चा 50 साल का भी हो जाए तो उसका बच्चा ही हो। तो हमें अपने माहौल में पूरी कोशिश करनी है नर्चरिंग। अभी जो लड़कियां बैठी जिनके आगे शादियां होंगी, जिनकी हो चुकी है अब, तो भाई कुछ नहीं हो सकता। आपके बच्चे तो जो आपने तरबियत दी वो हो गए ना। कभी आपने सोचा कि रेस्टोरेंट में जाते हैं आप और आपके बच्चे खाना खा रहे, तो क्या आपने कहा कि बेटा ये थोड़ा खाना लेके सामने वो औरत बैठी है बूढ़ी फकीर उसको जाके दे दो? किसी ने नहीं कहा। तो आपका बच्चा शेयर करना नहीं सीखे, उसको सिखाए कि शेयर कैसे करते, अपनी चीजें दूसरों से शेयर करें जो आपसे कम है, जो मुस्तहिक है, शेयर करना सिखाए। अगर आपने चैरिटी देना है बच्चे को साथ पकड़ के ले जाए, ईदी सेंटर जाए, किसी जगह जाए, बच्चे से कहे बेटा अपने हाथ से दो, ये चैरिटी होती है, ये रकम अल्लाह की, अल्लाह के बंदों को काम आती है। ये कॉन्सेप्ट आप नर्चरिंग का हिस्सा है। पांच माँ बैठी हुई ड्रामा देखने, फादर आईपैड पे कुछ और देख रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं किसी को नहीं। ये फैक्ट है, घरों में यही तो होता है, यही होता है। मैं अपने घरों में भी देखता हूँ यही होता है। आप यकीन करें मैं जब मेरे कमरे में देखे गुरु से पूछ रहे टीवी चल रहा है, मैं मॉनिटर पे काम कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के मैसेजेस भी आ रहे, 3 काम एक साथ करता हूँ, टीवी पे कोई ध्यान नहीं है। तो एकदम से कोई न्यूज आई तो ध्यान चला गया, वरना मैं उसको प्रोसेस ही नहीं करता उस इन्फॉर्मेशन को। कान तो खुले हैं ना मेरे, बंद नहीं किए ना, आवाज आ रही है टीवी की, सुन रहा हूं मगर प्रोसेस नहीं कर रहा। तो आप सुन सकते हैं, प्रोसेस ना करें आपके इख्तियार में, सुने प्रोसेस ना करें। मैं प्रोसेस नहीं करता, अपना काम कर रहा होता हूं, कभी व्हाट्सएप देख रहा हूं, कभी ईमेल पे जवाब दे रहा हूं, या फेसबुक पे कंप्यूटर पे जवाब दे रहा हूं, आई डू इट। बच्चों की तरबियत इस तरह करें, उनको पता हो तरजीहात जिंदगी में क्या, तालीम पहली पहली प्रायोरिटी,
दुनियावी एतबार से, इंसानियत दीनी एतबार से पहली प्रायोरिटी है। बच्चों को सिखाएं दर्द दिल, बच्चों को सिखाएं इंसानियत क्या होती है, बच्चों को सिखाएं कि लोगों का ख्याल रखें, घर में मुलाजिम है उनसे प्यार मोहब्बत से बात करें, उनकी भी इज्जत होती है, उनकी इज्जत दें, उनको आपने धमकाना नहीं है, उनकी बेइज्जती नहीं करनी, गलती हो गई उनको सिखाएं, समझाएं, माफ कर दिया करें, ये अपने बच्चों को सिखाएं। आने वाले दिनों में हमें ऐसा माशरा चाहिए जहां दरगुजर और माफ करने वाले ज्यादा हों, ना कि ये इंतकाम लेने वाले और लोगों की तजलील करने वाले। तो नर्चरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिनकी नई भी शादियां, सुन लो, जब शादियां हो और तुम्हारी औलाद हो तो ये ख्याल रखें कि वो जो माहौल देना है आपने अपने बच्चों को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नर्चरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी चीजें नर्चरिंग में आ जाती, मैं क्या बात करूं। अच्छा जी, खुश हो यकीन में लेक्चर के जुमेरात से सर। अच्छा ये, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, खुश और यकीन का फर्क के फहमी, पता नहीं क्या लिखा है, समझदार है, किस तरह पढ़ा जाए इसे। इट्स उर्दू बट इट इज रिटन वेरी डिफरेंटली। कितनी देर है भाई अपने में? गलत टाइप है। खुश और यकीन, खुश फहमी, ओके अलग हो गई, खुश फहमी और यकीन, गलत फहमी से खुश फहमी बेहतर है, गलत फहमी से खुश फहमी बेहतर है। हम अक्सर एक जिक्र करते हैं कि इंसान के जहन में जिस चीज का तसव्वुर होता है, जिस चीज का गुमान होता है, अल्लाह कहता है वही मैं तुम्हें देता हूं, जो गुमान करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। तो खुश फहमी एक गुमान है, नथिंग रॉन्ग विद इट, मगर सर्टन नहीं है, 100% कंफर्म नहीं है। मैं खुश फहमी में मुब्तला होना हूं कोई बात नहीं, मगर सर्टन नहीं हूं कि ये वाकई होगा कि नहीं होगा। जबकि यकीन जो है वो सर्टेनिटी का लेवल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिन्होंने फायर वॉक किया था लास्ट यहां पर, फोर डायमेंशन टू, या पिछले हफ्ते हमने इस्लामाबाद किया, इससे पहले हमने लाहौर में किया, अगर जिनको यकीन था कि उनको आग नहीं जलाएगी, हमने देखा बाकायदा वो चलते हुए इस तरह गए कि पता भी नहीं चला कि वो आग पे चल रहे हैं या जमीन पे चल रहे हैं, फूल पे चल रहे हैं, बिल्कुल सही। और जिनको गुमान ये था कि पता नहीं क्या हो, अनसर्टेनिटी की मैं बात कर रहा हूं, बेयकीनी की कैफियत की बात कर रहा हूं, उनमें से अक्सर जो है उन्होंने पैर मारा जोर से और हल्का सा जल गया, हल्का सा, मगर हमें पता चलता है जब वो पैर मारते हैं तो वो कोयला हट जाता है वहां से, प्लस मेरे हाथ, मेरा हाथ में उनका हाथ होता है, तो जो डरते हैं वो पूरा वजन मेरे हाथ में दे देते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि कौन डरा हुआ। खुशफहमी एक पॉजिटिव चीज है, मगर ये आपको हकीकत से दूर ना ले जाए। खुशफहमी एक तसव्वुर है किसी अच्छे दिन का, किसी अच्छे वाके का, कोई ऐसी चीज जिस पे आप चाहते हो कि वो हो आपकी लाइफ में या मिले आपको, लोगों के बारे में भी खुशफहमी होती है, तो गलत फहमी से बेहतर है। गलत फहमी गलत गुमान की तरफ है। अल्लाह का एक बड़ा इंटरेस्टिंग निजाम है, मैं कभी कभी सोचता हूं कि दूसरे मजाहिब के लोग जो है इस पे, शायद उनको डिटेल में बताया नहीं गया, इस पे गौर फिक्र नहीं किया, करवाया नहीं गया, उनको पता चले कि इस्लाम में क्या क्या चीजें मुनफरिद है और बड़ी अमेजिंग। अगर आप बुरा अमल करोगे तो आपको सजा मिलेगी, अच्छा अमल करोगे तो उसका अजर मिलेगा, अच्छा सोचोगे तो इनाम मिलेगा, बुरा सोचोगे कुछ नहीं मिलेगा, कोई सजा नहीं है बुरे, बुरी सोच की कुछ सजा अल्लाह नहीं देता। मगर हम एक चीज बड़ी खूबसूरत, हम अक्सर हमारे वर्कशॉप में कहते हैं, गॉड मे फॉरगिव यू फॉर योर सिन, गॉड मे फॉरगिव यू फॉर योर सिन बट योर नर्वस सिस्टम वोंट। हो सकता है अल्लाह माफ कर दे आपको, मगर आपके आसाब आपको माफ नहीं करेंगे। तो ये जो खुशगुमानी है तो पॉजिटिव है, बदगुमानी हो, बेयकीनी हो, गलत थॉट्स आए आपके जहन में, अल्लाह आपको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपने अमल नहीं किया। उसने दुनिया बनाई अमल और रद्द अमल की बेसिस पे, ना थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड है। मगर होगा क्या, बुरी सोच, बदगुमानियां जहन में रखना, या आहिस्ता आहिस्ता आपके आसाब को
असरअंदाज होगी, आपको बीमारियां होंगी, आप गलत फैसले करने लगेंगे, आपको गुस्सा आने लगेगा, आपके हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाएगा, फला चीज होगी, फला चीज होगा, आहिस्ता आहिस्ता जिस्मानी तौर पर भी बीमार होंगे, जहनी तौर पर भी बीमार होंगे। मगर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि जहन में बुरी सोच भी आती है ना, तो बदगुमानी आए, बुरी सोच आए, इससे बेहतर है खुशफहमी है। मगर खुशफहमी क्या कहते हैं वो मुल्ला, नहीं नहीं वो मुल्ला नसरुद्दीन वाली ना हो या शेख चिली वाली ना हो, खुशफहमी का मतलब है अच्छा ख्याल रखे चीजों के बारे में, हाँ ख्याल, और उसको आप अमली जाना जामा पहुंचाने के लिए, उसको किसी मंजिल तक ले जाने के लिए, उसको इवेंचुअली सर्टेनिटी या यकीन की लेवल पे ले जाने के लिए कुछ थोड़ा सा काम करना होता है, खुशफहमी में यकीन तक ले जाने के लिए। अब यकीन उन चीजों का होता है जिसके पास हमारा अकीदा हो, यकीन निकलता अकीदे से। आपके पास अकीदा है कि आग जला दो, आपको यकीन आग जलाएगी, मगर खुशफहमी हेल्प कर सकती है। डॉक्टर मोइज ने कहा इस तरह करो आग नहीं जलाएगी, खुशफहमी आ गई, उस खुशफहमी में आपको मेरी जात पर यकीन हो गया, उस यकीन ने दूसरे यकीन को चेंज कर दिया। क्या आग उस वक्त जला दी जब आग में खड़े हो, चुपचाप चलते हुए जाओ तो नहीं जला, अभी याद किया, अभी याद किया। ताबिर साहब तशरीफ ले आए, बहुत खुशी की बात। अच्छा जी, ताबिश धोखा नहीं देता, तो देर कर देता। अच्छा जी, एक इंटरेस्टिंग सवाल किसी ने दिया है, ब्यूटीफुल एंड अगली, व्हाइट एंड ब्लैक, रिच एंड पुअर, किंग एंड बेगर, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, एबल एंड डिसेबल, सुपीरियर एंड इंफीरियर, व्हाई अल्लाह क्रिएटेड द क्लास सिस्टम। इंटरेस्टिंग सवाल है ना, किसी को उसने सियाह फाम पैदा किया, किसी को बहुत गोरा पैदा किया, किसी को पीला पैदा किया, किसी को कमजोर, किसी को ताकतवर, कोई बहुत टॉल है तो कोई बहुत शॉर्ट है, कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है। सवाल इन्होंने ये पूछा है कि अल्लाह ने ये क्यों किया, ये क्लास डिफरेंस क्यों किया। पहली चीज तो ये है कि क्लास डिफरेंस हमें नजर आता, ये क्लास डिफरेंस है नहीं। गुरु से इस वक्त जाके पूछो, उसने दुनिया के 5 कॉन्टिनेंट्स में अब तक सफर किया, उसको सबसे अच्छे लोग सियाफाम लगे, वेरी स्ट्रेंज। उरूज को आप अभी जाके पूछो, सियाफाम लोग उसको सबसे अच्छे लगते हैं। और मुझे परसों बता रही थी कि सबसे अच्छा खाना जो है वो अफ्रीका का है ना। हम सोचते हैं अमेरिका के लोग गोरे चिट्टे गोरियां है ना, खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत नाक नक्शे, खाना बड़ा अच्छा, तो ये परसेप्शन की बात। पहली तो कोई चीज अच्छी बुरी उस वक्त होती है जब आप उसको अच्छा या बुरा परसीव कर चुके। सेकेंडली, अल्लाह ताला का पूरा निजाम अदल पे कायम है। अदल में और कानून में बड़ा फर्क है। कानून इंसान बनाता है, किसी को जेल में रखता है, किसी को कहता है ये नस्ल खराब है। आप देखें हिंदुइज्म में जो कास्ट सिस्टम है, तो ब्राह्मण जो है वो सबसे ऊंचे है, और जो बेचारे नीचे जो है वो चौथी कास्ट जो उनकी है उनको खिदमत करनी पड़ती है ब्राह्मण की। फिर एक मिलिट्री कास्ट है, फिर एक बिजनेस कास्ट है, और एक सर्विंग कास्ट है। ये सर्विंग कास्ट गुलाम, ये इंसान के बनाए हुए कास्ट है, अल्लाह ने नहीं बनाया। कोई हरिजन का बेटा जब पैदा होता है अस्पताल में तो क्या खून में आता है कि हरिजन है या ब्राह्मण है? नहीं आता ना, बस चूंकि उसके माँ बाप हरिजन थे तो वो सारी जिंदगी हरिजन, उसकी औलाद हरिजन रहेगी, लो कास्ट की रहेगी। ये इंसान बनाता है कास्ट सिस्टम। कई दफा आपने देखा होगा कि बहुत ही खूबसूरत मर्द एक बड़ी आम सी सांवली सी लड़की से शादी करता है, उसे लड़की से मोहब्बत होती है। बाज दफा आपने देखा होगा कि हूर नुमा परी नुमा खातून इंतहाई खूबसूरत वो किसी आम बंदे से शादी करती है कि जिसकी कोई हैंडसम नहीं है, रंग भी सांवला है, कुछ भी नहीं है। क्यों? दिल की बात है, उसको वो पसंद आती है। एक बाग में कई किस्म के फूल होते हैं, अगर एक ही फूल हो किसी बाग में तो कुछ देर में आप उगता जाएंगे, सारा ही पीला हो तो थोड़ी देर बाद थक जाएंगे, मगर कहीं पीला है तो कहीं लाल है तो कहीं सफेद है तो कहीं ब्लू है। ये जो गुलदस्ता है
जिंदगी का, इसमें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ रंगों के फूल बनाए, इसी तरह इंसान बनाए। इंसान अमीर और गरीब नहीं होता, सोच अमीर या गरीब होती है। अपने वर्कशॉप में अक्सर कहता हूं कि कॉलर जो है वो फटी हुई हो आपकी फर्क नहीं पड़ता, मैली ना, क्योंकि मैली होना है होना आपके इख्तियार में, फटी होना आपके इख्तियार में नहीं है। फटी होने के लिए पैसे चाहिए, वो आपके पास नहीं है, मगर धोना उस शर्ट को ताकि कॉलर मेली ना हो, वो तो आपके इख्तियार में है ना, बस यही इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरी चीज, जिंदगी में आपका इम्तिहान नहीं होगा अगर लोगों में डिफरेंसेस नहीं होगा, चाहे वो रंग और नस्ल के हो, कास्ट के हो, बोली और जबान के हो, पोजिशनिंग के हो, हैसियत के हो, कभी भी आपका इम्तिहान नहीं हो सकता, क्योंकि आपका इम्तिहान ही यही है कि अल्लाह की दूसरी मखलूक को जो अल्लाह ने बराबर पैदा की है आप किस दर्जे पर रखते हैं। क्या आप गरीबों के साथ सलूक अच्छा करते हैं, या अमीरों को देखकर आप सलाम करते हैं, या किसी गरीब को सलाम करते हैं, नहीं करते हैं। इसी तरह किसी सियाह फाम को सलाम करते हैं या कहते हैं कि पता नहीं कैसा गंदा बंदा है। हजरत बिलाल हबशी, कैसी मोहब्बत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उससे, कोई फर्क था कि बिलाल हबशी है, नहीं था। तो ये इंसान फर्क को बनाता है, अगेन इसलिए कि वो ताकत हासिल करे। दुनिया में कोई शख्स गरीब नहीं हो सकता, उसूलन नहीं हो सकता, अल्लाह के अदल के खिलाफ है। हर बच्चा जो दुनिया में पैदा होता है आने से पहले उसका रिस्क भेज दिया जाता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं खा गया उसके पैसे, मैं उसका रिस्क खा गया, तो उसको नहीं मिलेगा ना। सबको पालने वाला रब है, अब किसी के पास इतना ज्यादा है कि जिसके पास नहीं है उसका पैसा इसके पास आ गया। दुनिया में 2% इंसान जो है वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं, और उससे नीचे एक तबका आता है 10% का, तो दूसरे नंबर पे आता है। तो बाकी 80-90% इंसान को जो रोटी मिलनी चाहिए वो कैसे मिलेगी? ऊपर जो बैठा है वो खा गया। लास्ट टाइम भी शायद मैंने बात की थी या नहीं की थी, मैंने इस्लामाबाद में बात की थी, मैंने अपलिफ्टमेंट पे बड़ा जोर दिया कि आप साल के एंड में जो जकात निकालते हो, पहले तो ये गवर्नमेंट को ना दो मेहरबानी, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपकी जकात। आप अपने घर में जकात जमा करो, हर महीने कुछ पैसे डाल दिया करो ताकि एंड में आपको बोझ ना लगे। मगर जकात एक बहुत जबरदस्त सिस्टम है। सिस्टम ये है कि जब आप जकात निकालते हो तो आप कैलकुलेट करते हो मेरी वेल्थ कितनी है, उसके बगैर जकात ही निकल सकती ना। आप वेल्थ को कैलकुलेट करते हो कि मेरी वेल्थ कितनी है। जब आप वेल्थ को कैलकुलेट करते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी वेल्थ क्या है। अब उसमें से आप जकात निकालते हो, जब आप जकात निकालते हो तब आप कहते हो जी 100 इसको दे दिए, 500 इसको दे दिए, 1000 इसको दे दिए। ये ना करें, अगर मुमकिन हो सके किसी एक आदमी को अपलिफ्ट कर दे, छोटा सा थिया दे दें उसको, उस जकात के पैसे से कुछ सामान दे दें, वो बेचना शुरू करे। क्योंकि आपका फर्ज है कि आज आप उस शख्स को जो जकात लेता है इस काबिल बनाए कि कल वो खुद जकात दे सके। आप सोचिए, अगर ये वो जकात देगा तो माशरे में लेने वाले ही खत्म हो जाएंगे, तो कौन सी गुर्बत, कौन सी गरीबी, ये सारे डिफरेंसेस इंसान बना रहे। ये उरूज बैठी से पूछे उसको अफ्रीकन कितने पसंद है, लोग अफ्रीकन सियाह फाम पसंद है उसको, वही नजर है, वही आंखें जो आपकी है, आपको गोरे अच्छे लगते हैं, उसको सियाह फाम अच्छे लगते। ये तो परसेप्शन की बात है ना सारी। तो कोई चीज अल्लाह ने ऐसी नहीं बनाई कि जिसमें अदल ना हो। ताकतवर आप अपने घर में बहुत ताकतवर हैं, आप अपने घर में ताकतवर हैं। अच्छा, आप नहीं, आपकी बीवी ताकतवर है, घर में है ना, अक्सर शादीशुदा मर्दों के घर में बीवियां ताकतवर हैं। अच्छा, घर ऑफिस में आप ताकतवर हैं, आपके नीचे जो लोग काम करते हैं आप उनको रोक, चल भाई अभी तक क्यों नहीं आया, चाय लेके आ, पानी लेके, आप ताकतवर हैं। तो ये भी रिलेटिव फिनोमेना है ताकत का और कमजोरी का। अच्छा, अब एक सवाल आता है एबल एंड डिसेबल। अच्छा, डिसेबल किसको कहते हैं? आपको शायद हैरत हो, कुछ अरसे पहले, मैं हमने 3-4 हफ्ते पहले, हमारी क्रिकेट टीम वो मार खा के आई है ऑस्ट्रेलिया से कि कहां थी और कहां चली गई। हमारी क्रिकेट टीम के पास अल्लाह ने आंखें दी दो जो काम करती है, और कंटिन्यूसली हार गई। पाकिस्तान की नाबीना टीम 9 मैच जीत गए,
तो एबल और डिसेबल कहां गया? जिसकी आंखें नहीं थी वो फाते हैं, जिसकी आंखें हैं वो हार के आए। भाई अगर ये चक्कर ना हो सट्टों का और पैसों का तो आप में सलाहियत ऑलरेडी है। तो डिसेबल वो नहीं कि जिसके अंदर जिस्मानी तौर पे वो नुक्स हो, डिसेबल वो है जिसके जहन में नुक्स हो, जिसको अपने यकीन ना हो अपनी जात पर, अपनी सलाहियतों पर यकीन ना हो, वो डिसेबल। असल आदमी डिसेबल वो होता है। आप ये देखते हैं जो रोड पे चर्सी है बैठे होते हैं, अफिंची होते हैं, ये सारे डिसेबल है क्योंकि उनका कंट्रोल उनके माइंड से चला गया, उन्होंने अपना कंट्रोल किसी नशेवर चीज को दे दिया, कंट्रोल वो करता है, ये सारे डिसेबल है। जो लोग तनख्वाह लेते हैं वक्त पे काम नहीं करते, ये ऑफिस में चक्कर मारते रहते हैं, लोगों को ख्वार करते हैं, वो सबसे बड़े डिसेबल है। इसलिए डिसेबल है कि वो अपनी रोजगार को हराम कर रहे हैं, वो जो तनख्वाह मिलती है वो हराम हो गई। गोरे में एक अच्छी खूबी है, सुबह 9 बजे शुरू करेगा 5 बजे तक काम करेगा, बीच में आधे घंटे की ब्रेक हो तो ठीक है। यहां तो आप नादरा में चले जाए, आप बैठे वो उधर चला गया, उधर चला गया वो सिगरेट पीने चला गया, वो अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा है, या बॉस ने बुला दिया, किसी का काम पीछे दरवाजे से हो रहा है, आप बैठे हैं, आपके हक कहां गए, आपके हुकूक कहां गए, है ना। तो इस सारे रिटार्डेड है, ये सारे डिसेबल है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखी होगी, एक शख्स जिसके दोनों हाथ और दोनों टांगे नहीं है, गोरा है, उसकी कई वीडियो आई है। एक बच्चा जिसके दो हाथ नहीं है, पिशावर अपनी टांगों से करता है काम, अपने पैरों से करता है, कमाल है। मैं कहता हूं कौन कर सकता है, मैं और आप नहीं कर सकते। वो खाना चम्मच पैरों के दरमियान उठाता है, पता नहीं वो क्या काम करता है, बुनाई का करता है, सिलाई का क्या काम करता है मुझे नहीं पता, मैंने वीडियो देखी थी, कमाल है। हमारे दो हाथ हैं, वो नहीं कर सकते, वो अपनी दो टांगों से कर रहा है, तो एबल और डिसेबल का फर्क भी खत्म हो गया। बात सारी जहनी डिसेबिलिटी की है, हम वैसे थे कौन जहनी तौर पर डिसेबल हो चुके। जब तक ये डिसेबिलिटी नहीं खत्म होगी हमारी जिंदगियों में चेंज नहीं आएगा। अब आखिरी सवाल मोहिद्दीन साहब का, एज यूजुअल शब्द और भी थे काफी, चले अगले हफ्ते देखते हैं। डॉक्टर साहब सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ अरसे कबल एक स्वीडिश रेकी मास्टर कृष्णी बोइंग की रेकी के मुताबिक किताब वे ऑफ रेकी नजर से गुजरी। इसमें मुंसिफ ने रेकी की तारीख को फलसफी नहायत ही सादा और जामे अंदाज में पेश किए। इस किताब में मुसनिफ कहता है कि रेकी कदीम तरीका इलाज है जो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध की तकलीफ है, जिसको एक जापानी डॉक्टर मिकाओ इसुई ने मुनज्जम और तरबियत और तरतीब दिया और आम लोगों को इससे रोशनास कराया। इसके बारे में कुछ बताइए। थैंक यू मोहिद्दीन साहब। वे ऑफ रेकी मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है किताब, अनफॉर्चुनेटली मैं किताबें पढ़ता नहीं, ला के रख देता हूँ, एक दो पेज पढ़ता हूँ ऐसा लगता है पूरी किताब पता है, फिर बंद करके रख, और बाद में पता चल जाता है कि अक्सर ये मालूमात के लिए, इल्म के लिए किताबों का सहारा लेती है, और बिल्कुल सही है, कुछ लोग नहीं लेते सहारा, और तरीके भी हैं इल्म आपके पास आ। अब ये कहा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध के पास ये इल्म था, मगर एक स्कूल ऑफ थॉट है, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ईसा अलैहि सलाम के पास ये इल्म अल्लाह ने अता किया था कि वो एक तरह से रेकी करते थे और माजूर शख्स ठीक हो जाता था, नाबीना की आंख वापस आ जाती थी। कंफर्म नहीं क्योंकि पीछे हिस्ट्री में हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, मगर मुमकिन है कि गौतम बुद्ध के पास भी ये इल्म हो, क्योंकि बुद्धा भी बड़ा अमेजिंग आदमी था, अल्लाह वाला था, बड़ा अमेजिंग आदमी था, और उसकी जो तालीमात थी वो नहीं है जो अब आप देख रहे हैं। बुद्ध मजहब ये था ही नहीं, जो गौतम बुद्ध ने बताया था वो था ही नहीं, आज कुछ और है, गौतम बुद्ध वाला नहीं है। होता असल में अक्सर ये था, हिस्ट्री अगर आप देखें सिवाय इस्लाम की, क्योंकि कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया, तो ये चेंज नहीं हुआ, कोशिश की जा रही है उसको चेंज करने की, मगर नहीं होगा। बाकी तमाम मजाहिब वक्त के साथ साथ उसमें तरमीम आती गई, तब्दीली आती गई, तो अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियनिटी में, ट्रिनिटी का फादर द सन एंड द होली स्पिरिट, वो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में ये ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हजरत ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा बनाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, उसका तो ना कोई बेटा है ना उसका बाप है अल्लाह का, ना उसको किसी ने पैदा किया,
ना उसने अपने अपनी जात से किसी को पैदा नहीं किया, अपने इल्म से तखलीक किया उसने। तो अल्लाह किसी का बाप नहीं है, ना अल्लाह किसी का बेटा है। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर भी बहुत बड़ी चीजें चेंज होगी, यहूदियों में तो बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, क्योंकि वहां तो सबसे पहले चेंजेस आए जब ईसा अलैहि सलाम आए, और जो प्रोहत और जो बड़े बड़े पादरी थे जिनकी हुकूमतें शामिल थी, बड़ी ताकत थी इनके पास, सोना और जवाहरात उनके घरों में होते थे, बड़े अमीर थे, बड़े ताकत वाले थे। जब ईसा अलैहि सलाम ने कहा कि हर इंसान बराबर है और जो तुम्हारे पास दौलत है वो बांटो गरीबों में, मसला आ गया, दौलत चली जाएगी, तो उसके साथ अपोजिशन की, क्योंकि उनकी पोजिशन खत्म हो रही थी ना। फिर वो उस अगर क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लेते यहूदी तो सारे क्रिश्चियन बन जाते, जब क्रिश्चियन बन जाते तो वो जो पोजीशन थी टेंपल के अंदर बड़े बड़े पादरियों की वो खत्म हो चुकी होती। तो इस इक्तदार को बचाने के लिए तारीख गवाह है, तारीख गवाह है कि इस इक्तदार के चक्कर में लोगों ने हमेशा हरकतें ऐसी की जिससे माशरा जो है वो तकलीफ में आया। उस दिन से लेकर आज तक इक्तदार बचाने की कोशिश होती, उन्होंने अपना इक्तदार बचाया, ईसा अलैहि सलाम की मुखबरी की, वो सब जो किस्सा है एग्जैक्टली हमें नहीं पता कितना हद तक, मगर वो हुआ। इस्लाम में बचत ये हो गई पहली चीज कि जो किताब थी उस किताब के अंदर तरमीम हो नहीं सकती, तब्दीली हो नहीं सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, जैसी है वैसी है, चूंकि अल्लाह ने हिफाजत की थी। तो यहां भी कोशिश तो बड़ी हो रही है, इवन इस्लामिक कॉन्सेप्ट की तब्दीली की बड़ी कोशिश हो रही है, और बहुत सारे ऐसे पेड उलमाए कराम है जो कुछ बड़ी ताकतों के जहरे असर काम कर रहे हैं कि जब वो मीडिया पे आके किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट, लोगों की तवज्जो, फॉर एग्जांपल जिहाद का लफ्ज जो है, ये जिहाद का कॉन्सेप्ट जो है वो कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों के दिलो दिमाग से निकल जाए, ये पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि ये वो ईमान की एक, एक, एक किस्म है कि जब तक आपके अंदर मौजूद है दुनिया की कोई कुव्वत आपको तस्खीर नहीं कर सकती। आप मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर आप हक के लिए खड़े होंगे और जालिम के सामने झुकेंगे नहीं, मगर जब जमीर मर जाए तो फिर आप अपने मफाद के लिए हक के खिलाफ भी खड़े होंगे और जालिम का साथ। तो मिकाउ सुई के बारे में यह था कि 18वीं सदी में मिकाउ सुई ने कहां से भी ये रूट्स आती हों
ईसा अलैहिस्सलाम से आती हो, बुद्ध से आती हो, गौतम बुद्ध से आती हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इतना जानते हैं कि अल्लाह ने तख्लीक किया है, दुनिया बनाई, उसके साथ इसने एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स बनाया। रेकी में सिर्फ इतना होता है कि आपके अंदर एक सलाहियत पैदा हो जाती है अट्यूनमेंट के बाद कि आप इस लाइफ फोर्स को अपनी अपने अंदर लेकर किसी और में मुंतकिल कर सकते हैं, तो आप एक मीडियम बनते हैं। अब वैसे तो मुसलमान हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने बीमारी से पहले शिफा भेजी है, तो रेकी पे तो हमारा ईमान ज़्यादा होना चाहिए। नामुमकिन चीज़ इस्लाम में नहीं है, नामुमकिन चीज़ इस्लाम में नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है। अब उसके कुछ रास्ते हैं, कुछ तरीक़ेकार हैं, तो रेकी भी एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि शिफा अल्लाह देता, हम मीडियम बनते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई देता है, दवाई में थोड़ी शिफा है, वो तो अल्लाह उतारता है शिफा उसके अंदर, वो जो केमिकल्स हैं उसके अंदर, उसके अंदर अल्लाह ने फितरत डाली है उस केमिकल में कि वो फला काम करेगा। अगर फितरत ना होती तो वो दवाई काम नहीं करती, बन हो ही नहीं सकता था पॉसिबल। सोडियम की एक फितरत है, सोडियम क्लोराइड की एक फितरत है, फितरत है। इसीलिए कहते हैं कि दुआ करो कि अल्लाह ताला आपको ये इल्म दे, जो अशिया दुनिया के अंदर है उस अशिया के राज है, उस अशिया में शय के अंदर शय का राज है। दुआ करो अल्लाह ताला वो राज आपको। अच्छा जी, टाइम हो गया जी। मौसूफ 3 हफ्ते पहले हमें कहा था कल आपको ईमेल भेज देता हूँ, मैं आज इंतजार करूँ, आज भेज दोगे भाई, कल भेज दोगे, बड़ी मेहरबानी। मुझे आगे लोगों को भेजनी, काम बड़ा ज़बरदस्त किया है, आप बड़े खुश होंगे जब किताब मार्केट में आएगी। सारी मेहनत ताबिश किए इसने, प्रॉपर अल्फाज के अंदर तर्जुमे में इसको डाला, बड़ी मेहनत की इसने, नो डाउट। नाम भी इन्होंने क्या नाम कर रहे हो, इदरा, नाम भी इसने तजवीज़ किया था, नाम भी इसका है। और दूसरा है कि कल हिप्नोसिस का वर्कशॉप हो रहा है कराची में, 2 साल या पता नहीं 3 साल बाद कब हो रहा है, 2 साल के बाद हो रहा है। तो इरादा तो नहीं था, मैं भी इसको डिले करना चाह रहा था, अदनान ने कहा नहीं कर दे तो कर रहे। बड़ी रिमार्केबल चीज़ है हिप्नोसिस, और ये सलाहियत माँ बाप को भी सीखनी चाहिए, अपने बच्चों को हिप्नोटाइज करके उनको चेंज करना, बिहेवियर चेंज करना, बुराई की तरफ डालना, खौफ निकालना, स्किल, और 3 दिन में स्किल आपको आ जाती है, गारंटी है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। आबाद रहें, शाद रहें, खुश रहें। प्लीज़ अपलिफ्टमेंट पे गौर करें, रमज़ान आने वाला है, 2-2.5 महीने बाकी है रमज़ान को, 3 महीने होंगे, मई 28 या 27 को शायद पहला रोज़ा हो। तो अब के ज़कात जो है ना, वो किसी एक आदमी को अपलिफ्ट कर दें, और उससे कहें कि भाई जब तू इस काबिल हो जाए कि तू ज़कात दे सके, तू किसी और को अपलिफ्ट कर ले, ये सिलसिला कर दें आप, ठीक है। आबाद रहे, शाद रहे, अल्लाह ताला जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ दे, तौफीक दे के खुशियाँ दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। ओहो, ओहो, ओहो।